लक्सर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा निर्दलीय विधायक के विरुद्ध सोशल मीडिया और अन्य मंच के जरिए अभद्रता का आरोप लगाते हुए कई महिलाओं का झुंड आज बालावाली तराहे पर एकत्र हो गया, जहां उनके द्वारा एक पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने तानाशाही राज खत्म किए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि मौजूदा विधायक के कार्यालय पर जाकर जब भी उनके द्वारा किसी समस्या से अवगत कराया जाता है तो विधायक से सीधे बात करते हुए निराकरण को लेकर सुनवाई की जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। मांग तो यही है कि जैसे कि आए दिन फेसबुक पर गाली गलौज और किसी की शर्म कोई लिहाज हया है ही नहीं और बदतमीजी से पेश आना और ये सब चीज कब तक बर्दाश्त होगी, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रही बात मांग की, 20 साल से हम जिसे जिताते आ रहे थे कभी उसका कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तक की बात है कि हमें तो कभी पता ही नहीं चलता था कि चुनाव में वोट देकर आ गए, बाद में हमें पता ही नहीं हमारा विधायक कौन है। अगर कभी दुख दर्द हुआ और वहां पे गए तो ये बोला जाता था कि तुम्हारी औकात है इतनी, तुम्हारे गांव के प्रधान हैं, कौन सी कास्ट से हो। तो आप ये बताओ, एक बाहर का आदमी आकर हमारी सुनवाई रखता है, हमारी बात सुनता है, दुख दर्द में हमारा साथ खड़ा है, तो उसे पीड़ क्या हो रही। हम राजा से पूछना चाह रहे, तुझे दिक्कत क्या है इस चीज की। और रही बात गाली देने की, इलाज करने की, तो आज हम रोड पर उतर गई सब बहने और हम इंतजार भी कर रही हैं, आओ और इलाज करो। ये वो औरतें नहीं है जिन्हें वो ठावता और उनसे मुजरा करवावता, ये वो औरतें हैं, वो नारी है कि ये मुजरा करवाना जानती है, करती नहीं और बिल्कुल बर्दाश्त सब आ रही है चीज। मतलब विधायक जी कर क्या नहीं रहे भाई, जो जनता ने चुना है वो कर क्या नहीं रहे। प्रणव सिंह पर है मेरा आरोप सीधा सीधा, और उसके कुछ चल्ले चपाटे हैं, रोज रोज फालतू की बकवास करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, कोई तरीका है क्या बात करने का, मतलब क्या है सर। उन्हें इस चीज का अधिकार किसने दिया, विधायक है, जनता ने बनाया, जनता ने चुनाया, 8000 वोटों से उन्हें जिताया है, तो यो क्या तरीका, हम कैसे सुन लेंगे उनके खिलाफ गाली और क्यों सुने। चाहिए महिला शक्ति इतनी कमजोर नहीं है कि तानाशाही राज में दब जाएगी। हमारे जो विधायक साहब है उमेश कुमार जी, उनके यहाँ जाते हैं तो डायरेक्ट बात होती है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, जाति से कोई मतलब नहीं है ना, हमारे विधायक को कोई मतलब नहीं है तो उन्हें क्यों मतलब है। वो गाली गलौज करते हैं फेसबुक पर आकर, प्रणव सिंह जी और कौन करते हैं, उनके कुछ ऐसे चेले चपाटे भी है जो उनको सपोर्ट करते हैं, ये चीज होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। और जो महिला शक्ति हो या आम आदमी कोई भी है, उनके साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए। तानाशाही राज खत्म होना चाहिए जो अब तक चल रहा था।